अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिया किचन ब्लॉग। आज मैं आप सबको बताऊंगी गंजी के गुलगुले कैसे बनते हैं। गंजी के गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज की गंजी ली है। अब हम इसे रख देंगे कुकर में उबलने के लिए। तब तक हम शुगर पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी चीनी और उसमें डाल देंगे 5 इलायची। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। गंजी को हमने उबाल के छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से एक बर्तन में निकाल के अब हम इसे मैश करेंगे। इस तरह से अच्छे से दबा के गंजी को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नारियल डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी, चीनी पाउडर जो हमने चीनी और इलायची का पाउडर पहले से बना के रखा था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा एक कटोरी। अब हम इसे हाथ से फेटेंगे इस तरह से अच्छे से। अगर हम हाथ से फेटेंगे तो ये बहुत अच्छा ही बेटर बन के तैयार होगा, इसीलिए हम इसे हाथ से ही फेटेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैं इसे किस तरह से फेट रही हूँ। ऐसे करते करते ये इस तरह से हमने इसे फेट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देंगे और आधा कप पानी डाल देंगे। अभी ये बहुत सूखा है इसलिए हम पानी डाल के इसे अच्छे से फेटेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हमें इसे जोर से फेटना है। हम इसे जितना फेटेंगे वो इतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। अगर आप भी इस तरह से बना रहे हैं तो गंजी के गुलगुले बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से ये बेटर बन के तैयार हो गया है। इस तरह से बेटर हमारा इस तरह से तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा पानी डाल के आधा घंटा के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुके हैं और हमारा बेटर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फ्राई करना शुरू करते हैं। गैस को कर दिया है ऑन और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप बेटर को फेंट के तुरंत भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आधा घंटा रखा था, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। जो हमने बेटर तैयार करके रखा है अब हम उसे तेल में डालेंगे तलने के लिए। इस तरह से हाथों से एक एक करके हम इसे डालेंगे। गैस को हमें धीमा ही रखना है, इसे धीमे आंच से पकाना है। अगर हम इसे धीमी आंच से पकाएंगे तो अंदर से ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होगा, नहीं तो ये ऊपर से लाल होगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा। तो जितना इसे हम धीमी आंच से सेकेंगे वो उतना ही अच्छा और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये तल रहे हैं। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा पलट पलट के सेकेंगे। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे कलर आ गए हैं। गैस को कर देंगे एकदम धीमा और इसे हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। इस तरह से मैंने सभी गुलगुले को निकाल लिया। अब बाकी का जो बेटर बचा है उसको भी हम इसी तरह से
एक एक करके तल लेंगे एकदम धीमी आंच से। इस तरह से हम इसे दोनों तरफ ही सेकेंगे पलट के, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। बस इसे हम थोड़ी देर ही और पकाएंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सभी गुलगुले को तल लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब गुलगुले बनके तैयार हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं एकदम। आप देख सकते हो इस तरह से कैसे मैं इसे दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइए और सबको बना के खिलाइए। थैंक यू।